और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अलवर, जहां इस वक्त अलवर के गोविंदगढ़ में सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अगेन जला रहे, तब भी पीने के पानी की समस्या मुझे मालूम है। ये हालात कर रखे हैं राजस्थान के, वापस सरकार बनाई आपने। मैं कहना आया हूं कि आप निश्चिंत रहो, जो भंवर जीतन सिंह जी और सत्या खान जी आपके यहाँ के विधायक है, ये लोग काम मुझे जो कहेंगे मैं वादा करता हूं कोई एक काम आपका रुकने वाला नहीं है, मैं आपको कह सकता हूं। कांग्रेस की विकास में रुचि है, कांग्रेस विकास करना जानती है, कांग्रेस शासन करना जानती है, कांग्रेस बदले की भावना रखती नहीं है। और हमारे विपक्षी पार्टी है, वो आप देख लो क्या करते हैं। आज पूरे मुल्क में घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं। राज का शासन का इकबाल खत्म हो गया है, कोई जुमलेबाजी होती गई 5 साल तक, झूठे वादे किए मोदी जी ने, काला धन लेके आऊंगा विदेशों से, 1 रुपये लेके नहीं आए, महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही गए, रुपए का अवमूल्यन हो गया डॉलर के मुकाबले, नौजवानों को नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष, चर्चा ही नहीं करते मोदी जी अब उसकी। क्या क्या बोलते थे मोदी जी उस वक्त में, वो बातें वापस बोल ही नहीं रहे। वो होना क्या चाहिए, ये मीटिंगों के अंदर एक कायदा होता है, ये मीटिंग करने का लोकतंत्र का 70 साल से रिवाज अपने यहां पर है। ये कांग्रेस की क्या हुआ फैसला है, देश में जनता को पूछ के राज करो, जनता का 1 वोट होगा, अमीर हो या गरीब हो सबका, वो फैसला करेंगे, वो सबको मंजूर होना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुआ, हमारे यहां 70 साल के बाद में भी लोकतंत्र कायम रहा, चाहे इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, आतंकवाद का मुकाबला किया, राजीव गांधी शहीद हो गए, ये तो हमारी खूबी है। पाकिस्तान के अंदर आप देखते हो बार बार सैनिकों का शासन हो गया, प्रधानमंत्री को जेल होती है, भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ा दिया था, कितना बड़ा फर्क है। आज हमारा सौभाग्य एक देश में लोकतंत्र काम है, जहां सुई नहीं बनती थी आजादी के वक्त में, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, तन पे ढकने को कपड़ा नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, भीख मांगनी पड़ती थी अमेरिका से गेहूं की, वो भीख आती थी मांग करके राशन की दुकानों पर, PL 480 का गेहूं बिकता था, वो जमाने देखा आपने। आज हम लोग आत्मनिर्भर हैं किसानों के बलबूते पर, रोटी कपड़ा मकान मिला है, जाल गिर गया सड़कों का, पानी की योजनाएं बन गई, सिंचाई की योजना बन गई कई जगह पर, बिजली के तार गांव तक पहुंच गए, घर घर पहुंच गई बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई गांव गांव में, स्कूलें खुल गई, कॉलेज खुल गई, विश्वविद्यालय खुल गए, उपग्रह छोड़े जा रहे हैं आकाश के अंदर। राजीव गांधी का सपना था तो इंटरनेट भी आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन हाथ में आ गया, क्रांति हो गई है। और मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अब मोदी जी कौन समझावे कि जो कुछ हुआ 70 साल में हुआ, आपने 5 साल में क्या किया उसका हिसाब दो। मोदी जी आप 5 साल के हिसाब तो दो, आप 70 साल का हिसाब हमसे मांग रहे थे उसका गवाह तो पूरा मुल्क है, 70 साल का गवाह पूरा मुल्क है देश के अंदर, कि कहां से कहां मुल्क पहुंचा है, लोकतंत्र कायम रहा है, आप 5 साल के हिसाब दो, देश में घृणा क्यों है, नफरत क्यों है, निर्दोष लोग क्यों मारे जाते हैं, जुमलेबाजी क्यों हुई, अच्छे दिन क्यों नहीं आए, कोई जवाब है उनके पास में। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हम लोकतंत्र में जनता को बताएं, हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहो, आप किसान के लिए क्या करना चाहते हो, महिलाओं के लिए क्या योजना आपके बारे में पास में है, नौजवानों को नौकरियों की आपके पास क्या स्कीम है, देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा, देश की दशा व दिशा कौन तय करेगा, आपके पास क्या योजना बताओ, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करो, वो बात नहीं करते हैं, वो वोट मांगते हैं सेना के नाम पर,
राजभक्ति के नाम पर, क्या हम लोग राजभक्त नहीं है? उनके सर्टिफिकेट मोदी जी देंगे हम लोगों को, उनकी पार्टी देगी हम लोगों को? ये जो उन्होंने चुनाव जीतने का हथकंडा अपना रखा है, जुमलेबाजी करके, जाति में धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। आज लोकतंत्र खतरे में है, क्यों कहते हैं लोग बाग? तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही है लोकतंत्र खतरे में, देश के अंदर संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी सरकार बनी हमारे वाली, 3 महीने पहले ही आपका एक एक वोट, जो मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, अभी मेरी सरकार को मजबूत बनाएंगे, 4.5 साल तक हम जम के काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। और लोकतंत्र में वोटों के राज में जब आप वोट देते हो तो ठप्पा लगता है सरकार पर कि 3 महीने हमने कर्जा माफ किया, कॉपरेटिव बैंक का किया, भूमि विकास बैंक का किया, चुनाव के बाद में हम लोग जो पहले वादा किया हुआ हमारा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने का, वो भी हम निभाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, 1 लाख बिजली कनेक्शन कुओं पर लगाने के लिए हमने आदेश जारी कर दिए हैं, पानी का बिल अब नहीं आएगा गांव के अंदर, पानी निःशुल्क कर दिया राजस्थान के अंदर, कोई बिल नहीं आएगा। तमाम तरह से हमने कोशिश की है, पेंशन बढ़ा दी हमने आप लोगों की, 500 की सरकार बनते ही 500 की 750 और 7500 रुपये कर दी गई, सरकार बनते ही कर दी गई। इस प्रकार से हमने आपके 2 रुपये प्रति लीटर दूध जो पशुपालक उनको बोनस दिया गया है, जो डेयरी में दूध बेचेगा उसको 2 रुपये प्रति लीटर दूध मिलेगा, बोनस के रूप मिलेगा, वो कर दिया हम लोगों ने। और तो और आर्थिक आधार पर जो कानून बना है SC ST OBC के अलावा जो बाकी लोग रह गए हैं, आर्थिक आधार पर उनके लिए भी हमने 10% आरक्षण के लिए आदेश जारी कर दिए। दवाई हम 600 दे रहे थे पहले, 3 दवाएं बहुत महंगी होती है, कैंसर की, हार्ट की और किडनी की, लंबा इलाज चलता है, 3 दवाएं फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर, वो हमने कर दिया। 3 साल तक कोई बिजनेस खोलेगा नौजवान, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी पूरे देश में लागू कर रहे हैं, हमारे राजस्थान में उसका अध्यादेश जारी भी हो चुका है। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रखी है। और तो और पंचायत चुनाव में वसुंधरा जी ने कर दिया कि जो पढ़ा लिखा होगा वही खड़ा हो सकता है, 8वीं पास 10वीं पास। मैंने कहा वसुंधरा जी पार्लियामेंट में MP और MLA बन सकता अनपढ़, जो कानून बनाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में और विधानसभा में, और गांव की पंचायती करने वाला आदमी जो है उसके लिए पड़ेगी शर्त लगाना कहां तक उचित है, वो शर्त हमने खत्म कर दी। इस बार कोई खड़ा हो सकता है, अरे पंचायती पढ़ा लिखा से ज्यादा अनपढ़ आदमी कर सकता है गांव की पंचायती? आज तक करता है वो। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए हैं और घोषणा पत्र जारी हुआ दिल्ली का, राहुल जी ने बनवाया है, जनता को पूछ के बनवाया, पूरे देश के अंदर टीमें बजी गई कि मोदी जी तो मन की बात थोप नहीं रहे हैं, मन की बात सुनो, देशवासी क्या कहते हैं, किसान क्या कहता है, उनकी समस्या क्या है, नौजवानों की क्या समस्या है, डॉक्टरों की क्या है, इंजीनियर्स की क्या है, छात्रों की क्या है, कुलियों की क्या है, ठेले वालों की क्या समस्या है, सबकी सुनो उसके बाद में फैसला करो। तो मैनिफेस्टो बना है, बहुत ही शानदार बना इस बार। इसीलिए 6000 रुपये महिलाओं के खाते में सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत जाएगा हर महीने, गरीबों के यहां पर 72000 जाएगा न्याय योजना के अंतर्गत, घर घर के अंदर जाएगा। 72000 का मतलब है आप वो खर्च करोगे वापस, आपकी खरीद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उससे पूरे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, दुकानों में सौदे खरीदेंगे बच्चों के लिए, घर के लिए,
डिमांड बढ़ेगी सामानों की तो फैक्ट्री में उत्पन्न ज्यादा होगा तो मजदूर ज्यादा लगेंगे। सोच समझ के फैसला किया गया है। बीजेपी कहती पैसा कहां से आएगा, जब नरेगा लेके आए थे यूपीए बहुत शानदार योजना तब भी का पैसा कहां से आएगा, पैसा उसका आया देश भर में लोगों को मजदूरी मिली थी। तो काम तो जब केंद्रीय मंत्री थे हमारे भंवर साहब तब भी कमी नहीं रखी यूपीए गवर्नमेंट ने, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, कोई कमी रखी क्या? अब राहुल गांधी जी कहते हैं स्वास्थ्य का अधिकार दो, सबको स्वस्थ रहने का अधिकार होना चाहिए, 6,000 रुपये दो न्याय योजना के अंतर्गत, जिससे कि आदमी की माली हालत ठीक हो, अपनी इनकम के साथ में 6,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको। और इससे एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, ये तो कई उसमें इसके में लाए हैं वो, पर 10 लाख नौकरी मिलेगी ग्राम पंचायतों के अंदर, परंतु किसान बजट अभी तो लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, जो लोग किसानी करते खेती करते हैं प्रगतिशील किसान हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। किसानों का बजट अभी तक तो रेलवे का बजट रखे जाते थे पार्लियामेंट के अंदर, रेलवे का बजट होता था, अब किसानों के लिए जो समस्या जितनी तरह की है, खाद की, बीज की, आमदनी की, एमएसपी की, जो भी है उसका पूरी बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर। किसानों के बजट के प्रस्ताव पर 542 लोकसभा के मेंबर बहस करेंगे, पूरे देश के किसान चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, पूर्व का, पश्चिम का हो, आप फूर सकते हो, अलग अलग क्षेत्र किसानों की अलग अलग समस्याएं होती है, उन सब पे बहस होने के बाद में बजट पास होगा। आप कल्पना कीजिए आने वाला फ्यूचर किसानों के लिए किस प्रकार सिक्योर किया जा रहा है, राहुल गांधी द्वारा कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये आप हम सबको समझने की बातें हैं। हम मोदी जी की तरह 15 लाख में डाल देंगे खाते में, वो तो हम लोग झूठ बोलते नहीं हैं, मोदी जी तरह जुमलेबारी करते नहीं हैं। और जिस प्रकार से अच्छे दिन की बात की गई, अब वो अच्छे दिन की बात भी नहीं करते हैं जी। मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा, ये चुनाव देश की तकदीर का फैसला करेंगे। अभी 13 जगह चुनाव हुए हैं राजस्थान में, लोगों ने जम के वोटिंग किया है गर्मी के बावजूद भी। हम उम्मीद है कि मोदी जी के खिलाफ में अंडरकरण चल रहा है उनका सफाया होगा, अगला प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, ये मेरा मानना है। और वो तब होगा तब आप जैसे लोग जो हैं एक एक चीज जिताओगे। आप लोग भंवर जितेंद्र सिंह जी के वक्त में काम कम नहीं हुए, मेरी सरकार बनते हमने दुरु मियारी थे स्वास्थ्य मंत्री, उस जमाने के अंदर भंवर साहब ने उन सब ने कह दिया ये सही कहा बनाया मेडिकल कॉलेज, आज तक बिल्डिंग खड़ी है, वो मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पाया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। बताइए आप, मैंने कहा ना आपको सरकार बदलते जो काम रोके गए, ये स्थिति है राजस्थान के अंदर। ESI का हॉस्पिटल 500 करोड़ खर्च हुए होंगे, बिल्डिंग खड़ी है पर मेडिकल कॉलेज नहीं चालू कर पाया। मेट्रो ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी अलवर में, सुना होगा आपने, खूब प्रचार हुआ, पता ही नहीं उसका क्या हुआ। कोटकाशी में कार्गो एयरपोर्ट प्रस्ताव था, कोई चर्चा ही नहीं है। अरे भाई चर्चा तो करो, DPR बनो, सर्वे करो, सब काम होते नहीं वो तो हम जानते हैं, तो कोई चर्चा भी नहीं है। चंबल का पानी मैंने बताई दिया आपको, मिनी सचिवालय मैंने खुद ने तय किया था, उसका कोई पता ही नहीं है। बाकी आपके जो संस्थाएं आई थी जब भंवर जितेंद्र सिंह जी गृह राज्य मंत्री थे या रक्षा राज्य मंत्री थे, कोई कमी नहीं रखी, CRPF आई, ITPPI, SLP, BSF, CSF, सबके यहाँ पर यूनिट खड़ी होना बहुत बड़ी बात थी। हमारी गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया भंवर साहब को, जो मांगा हमने जमीनें दी इनको, मेरी कह रहे फ्री दी होगी, मेरी कह रहे फ्री जमीनें दी होगी, और इन्होंने कमी नहीं रखी। अलवर में जितने काम हुए थे उन 5 सालों में, आप विचार उठा के देख लीजिए पहले कभी हुए क्या? उसके बाद में भी अगर अपन देखें
तभी आपने देखा कि अलवर के गोविंदगढ़ में सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील कर रहे थे और साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह के कार्यकाल के बारे में भी विस्तार से बताया और एक बार फिर से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर योजनाओं को ना पूरा करवाने का आरोप भी लगाया।